संभल हिंसा को लेकर लगातार सियासी संग्राम जारी है। आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता संभल जाने वाले थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें नोटिस थमा दिया और उसमें कहा कि हिंसा प्रभावित संभल का दौरा ना करें। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सलाह मानने की बात कही। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप देश की हर मस्जिद में सर्वे कराकर समाज को बांटने की कोशिश में लगी हुई है। खड़गे ने बीजेपी को मोहन भागवत के उस बयान की भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढना गलत है या इसकी क्या जरूरत है। जब बीजेपी आरएसएस वाले ही ये बातें कर रहे हैं तो फिर सर्वे के नाम पर खोद खोद कर झगड़ा क्यों लगाया जा रहा है। उधर बीजेपी की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया और कहा कि कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है और इसीलिए ये तमाम बयान यहां पर सामने आ रहे हैं। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर संभल को लेकर लगातार जारी है। अब ये सियासत, ये राजनीति कहां जाकर रुकेगी और आज क्योंकि संसद की कार्यवाही फिर से शुरू हो रही है, क्या एक बार फिर संसद की यही दोनों ही सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ेगी। लगातार संभल हिंसा को लेकर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। अब ऐसे में आज क्या तस्वीर होगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले सुनिए कि किस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए। हर जगह सर्वे वाले जाकर ये पहले मंदिर था अब ये मस्जिद कैसा हो गया ये कह रहे हैं। मोहन भागवत 2022 में कहा हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत। फिर आज फिर खोद खोद के हम क्यों झगड़ा निकालना, हम सब तो एक है ना, तुम एक ही चाहते ना, एक रहो सेफ रहो बोलते, तुम सेफ रहने ही नहीं दे रहे। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, काटने वाले भी आप। इन्होंने 163 की नोटिस इशू की दिया है और ये कहा है कि वहां पर जाने से अव्यवस्था होगी, तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति वहां शांति बहाली हो, शांति हो, और जो अत्याचार अन्याय वहां हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं पर हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहां इनकी जुबान नहीं खुलती। संभल के जो भी दोषी हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच होगी और माननीय न्यायालय के जो भी आदेश होंगे उनका हम सम्मान करते हुए आगे बढ़े। समाजवादी पार्टी गठन काल से ही गुंडे माफियाओं के कब्जे में रही है। समाजवादी पार्टी के लोग पहले पत्थर फेंकवाएंगे, ढेला फेंकवाएंगे, गोली कारतूस इकट्ठा करेंगे, दंगा हो जाएगा तो जाकर के वहां राजनीतिक पर्यटन करेंगे। प्रदेश की जनता इनको पास से ऑब्जर्व कर रही है। अभी धारा 163 लगी हुई है और हमारा सभी से अनुरोध है कि 10 दिसंबर तक अभी नहीं आए, क्योंकि माहौल शांतिपूर्ण है, सब दुकानें खुल चुकी हैं और इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ी सतर्कता और संवेदनशीलता के तहत हमने सभी को मना किया है।